हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर है फार्माकोलॉजी सेकंड के, उसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आए थे एंड क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, ये हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम देने से पहले हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार जो है वही सेम क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हो जाते हैं, तो अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे तो अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो आए थे। तो हमें पता है कि हमारा जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर सेक्शन ए के अंदर तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी के अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एंड सेक्शन सी के अंदर कुछ लोगों के 5 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन एंड कुछ लोगों के 7 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन, बट टोटल जो है सेक्शन सी वो 35 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं सेक्शन सी के अंदर वो 5 मार्क्स के। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो है जनवरी 2020 का क्वेश्चन पेपर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज नेम 2 कोरोनरी वैसोडाइलेटर्स। तो 2 ऐसी ड्रग्स जो कि कोरोनरी वैसोडाइलेटर्स होते हैं उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। सेकेंड इज गिव द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन बायो एसे ऑफ डिजिटलिस। तो डिजिटलिस का जब हम बायो एसे करते हैं तो उसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर इंडिकेशंस फॉर थायसाइड डायूरेटिक्स, मतलब थायसाइड डायूरेटिक्स जो है वो किन किन कंडीशंस के अंदर दिया जाता है, थायसाइड डायूरेटिक्स के लिए क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज लो डोजेज ऑफ एस्पिरिन एक्ट्स एज अ कार्डियो प्रोटेक्टिव हाउ। तो जब हम एस्पिरिन का कम डोज देते हैं तो वो कार्डियो प्रोटेक्टिव की तरह काम करती है, तो वो किस तरीके से कार्डियो प्रोटेक्टिव की तरह काम करती है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज लिस्ट द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या क्या हो सकती हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, नेम 2 ड्रग्स यूज टू ट्रीट इट। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो होता क्या है, उसके बाद में किन्हीं भी 2 ड्रग्स का नाम बताना है जिन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज नेम एनी 4 ड्रग्स यूज्ड इन कार्डियक एरिथीमियाज। तो यहाँ पर किन्हीं भी 4 ड्रग्स के नाम बताने जिन्हें कार्डियक एरिथीमिया को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज नेम एनी 2 फिब्रिनोलाइटिक्स। तो किन्हीं भी 4 फिब्रिनोलाइटिक्स के नाम जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर टोकोलाइटिक्स, गिव एग्जाम्पल्स। तो टोकोलाइटिक्स होते क्या है सबसे पहले ये बताना है, देन उसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं उनके एग्जाम्पल जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज गिव द थेरापेटिक यूजेस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिंस। तो प्रोस्टाग्लैंडिंस जो इनके थेरापेटिक यूजेस क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये था कंप्लीट सेक्शन ए। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बायो एसे, क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व, गिव देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो सबसे पहले तो बायो एसे होता क्या है वो हमें बताना है, देन इसके बाद में क्लासिफिकेशन करना है एंड एक्सप्लेन करना है जो भी प्रिंसिपल्स जो है बायो एसे के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मतलब सबसे पहले जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है बायो एसे के अंदर उसका क्लासिफिकेशन बताना है, देन उन्हें एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट इज बायो एसे के मेरिट्स क्या क्या होते हैं एंड डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं, मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स विद एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी ऑफ ग्लिबेनक्लामाइड। तो सबसे पहले तो एंटी डायबिटिक एजेंट्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पर लिखना है, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स जो है सारे के सारे क्लासेस के अंदर ड्रग्स के वो लिखने हैं। देन उसके बाद में एक ड्रग है हमारे पास ग्लिबेनक्लामाइड, इसका जो फार्माकोलॉजी है मतलब इसका जो है इसके यूजेस क्या होंगे, सारे के सारे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, सारे के सारे पॉइंट्स जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर वो सब हमें इस ड्रग के बारे में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव विद एग्जाम्पल्स, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। तो सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स जो होते हैं उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ सारे के सारे ड्रग्स के एग्जाम्पल्स जितने भी आपको याद हो वहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद में बीटा ब्लॉकर्स एक क्लास आती है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के अंदर, इसकी जो कंप्लीट फार्माकोलॉजी है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो ये था कंप्लीट सेक्शन बी। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। सो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज क्लासीफाई NSAIDs एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ पैरासीटामोल। तो सबसे पहले NSAIDs मतलब नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में एक ड्रग इसके अंदर आती है पैरासीटामोल, इसकी कंप्लीट फार्माकोलॉजी जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द एडवर्स इफेक्ट्स एंड यूजेस ऑफ ACE इनहिबिटर्स।
तो ACE इनहिबिटर्स जो है क्लास ऑफ ड्रग है हमारे पास, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, वो हमें यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर एंड्रोजन्स, राइट द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि एंड्रोजन्स जो हैं वो क्या होते हैं, उसके बाद में सेक्स हॉर्मोन्स जो हैं उनका हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल रोल क्या रहता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज क्लासीफाई एंटी एरिदमिक ड्रग्स, राइट इन डिटेल फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स यूज टू ट्रीट एरिथीमियाज। तो सबसे पहले जो एंटी एरिदमिक ड्रग्स होती है उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें लिखना है, देन उसके बाद में जो ड्रग्स यूज होती हैं एरिथीमिया को ट्रीट करने के लिए उसकी फार्माकोलॉजी जो है वो डिटेल के अंदर यहाँ पर हमें लिखनी है। नेक्स्ट इज राइट पैथोफिजियोलॉजिकल रोल इन एंजियोटेंसिन, मतलब यहाँ पर ये पूछा गया कि एंजियोटेंसिन जो है इसका पैथोफिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है वो हमें कंप्लीट यहाँ पर बताना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट अ नोट ऑन एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स के ऊपर एक नोट हमें लिखना है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स जो है वो होते क्या है, उसके बाद में हम इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन देन कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरीके से जो हम यहाँ पर एक नोट लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है इसके क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स। तो जो एंटी थायराइड ड्रग्स होती है उसकी कंप्लीट फार्माकोलॉजी क्या होती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज गिव द क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। तो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स जो होते हैं इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन एंड इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जनवरी 2020 का क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फेब्रवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये जो है ये री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इनालाप्रिल। तो जो एक ड्रग होती है इनालाप्रिल, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है ये हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिफाइन टोकोलाइटिक्स। तो टोकोलाइटिक्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज क्लासीफाई हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन जो कि एक डिजीज़ होती है इसका क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर लिखना है, मतलब हाइपरटेंशन कितने टाइप की होती है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाई लो डोजेज ऑफ एस्पिरिन आर यूज्ड एज एंटी प्लेटलेट एक्शन। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि एस्पिरिन का जो कम डोज होता है उसके जो लो डोज होते हैं उसे एंटी प्लेटलेट एक्शन के लिए क्यों यूज़ करा जाता है ये हमें यहाँ पर बताना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट टू मेजर साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। तो कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स के जो दो मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर फिब्रिनोलाइटिक्स। तो फिब्रिनोलाइटिक्स क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया का क्या मतलब होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज गिव टू एग्जांपल्स ऑफ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो है ये क्लास ऑफ ड्रग्स आती है डायूरेटिक्स के अंदर। अब इसके अंदर जो दो ड्रग्स आती हैं उनके एग्जाम्पल जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर क्वेंटल बायोएसिड्स। तो क्वेंटल बायोएसिड्स क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर अच्छे से बताना है। तो ये था कंप्लीट सेक्शन ए के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन बी के अंदर जो है क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर बायोएसिड्स, राइट देयर प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, डिस्कस द बायोएसे ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि बायोएसे जो है वो होते क्या है, इसके बाद में बायो एसे के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होती है वो यहाँ पर लिखनी है। देन ऑक्सीटोसिन एक ड्रग है इसका जो बायो एसे है वो हमें यहाँ पर बताना है। सेकेंड इज क्लासीफाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स एंड राइट इन डिटेल द मोड ऑफ एक्शन, मेजर एडवर्स इफेक्ट्स एंड यूजेस ऑफ सल्फोनिल यूरियाज एंड बायग्यूवेनाइड्स, ठीक है। सबसे पहले ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो इसका क्लासिफिकेशन हमें बताना है। देन दो क्लासेस हमें यहाँ पर दी गई है, सल्फोनिल यूरियाज एंड बायग्यूवेनाइड्स, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर ये कहें मोड ऑफ एक्शन। देन इनके मेजर एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर कंप्लीट डिटेल के अंदर लिखने हैं। नेक्स्ट इज क्लासीफाई नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स,
राइट इन डिटेल अबाउट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ एस्पिरिन। तो सबसे पहले तो जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स है, इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन विद सारे के सारे एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग्स वो हमें यहाँ पर लिखना है। देन यहाँ पर हमें एक नाम दिया गया ड्रग का एस्पिरिन। तो एस्पिरिन के कंप्लीट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो सब कुछ जो है हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट सेक्शन बी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन सी के अंदर जो है क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। सो सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज एक्सप्लेन व्हाई एटेनोलोल इज प्रिफर्ड ओवर प्रोप्रानोलोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के अंदर एटेनोलोल को ज़्यादा प्रीफर करा जाता है प्रोप्रानोलोल के ऊपर, तो ऐसा क्यों होता है ये हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डायूरेटिक्स एक्टिंग ऑन लूप ऑफ हेनले। तो ऐसे डायूरेटिक एजेंट्स जो कि लूप ऑफ हेनले पर काम करते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो उन्हें लूप डायूरेटिक्स कहते हैं। तो जो लूप डायूरेटिक्स क्लास होती है डायूरेटिक्स की, उसके बारे में जो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज ड्रग्स यूज्ड फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए जिन भी ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं उसका जो क्लासिफिकेशन है सारे के सारे ड्रग्स के नाम जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। साथ ही साथ कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, ड्रग इंटरैक्शन, जो भी पॉइंट्स हमें याद हो वो सब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। तो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स जो हैं वो क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन एंड उसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं इन सब के बारे में जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लोनिडीन एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। तो क्लोनिडीन को एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के रूप में यूज़ करा जाता है, तो उसके बारे में डिटेल के अंदर जो हमें यहाँ पर लिखना है। लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज ए सी ई इनिबिटर्स। तो ए सी ई इनिबिटर्स जो हैं ये होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन, इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, ये जो है ये कौन सी क्लास ऑफ ड्रग के अंदर आता है एंड जो ड्रग्स है उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट एंड सबसे मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स जो हैं ये इसके क्लासिफिकेशन हमारे पास आता है, तो इसका क्लासिफिकेशन हम लोग लिख देंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स कौन कौन से क्लासेस के अंदर आती हैं, देन इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, यूजेस क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजी ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। तो जो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं उसकी जो फार्माकोलॉजी है डिटेल के अंदर वो हमें यहाँ पर लिखनी है। लास्ट इज डिस्कस द यूज़ ऑफ बीटा एगोनिस्ट इन ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर बीटा एगोनिस्ट जो है इसके क्या यूजेस होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेप्टेम्बर 2021 के क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आए थे। सो सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट द ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। तो गाउट के ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग्स यूज होते हैं उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एरिथीमियाज। तो एरिथीमिया के ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग्स यूज होती है उनके कोई भी दो एग्जाम्पल्स जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज मैंशन टू यूजेज ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी के कोई भी दो यूजेज जो है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वारफेरिन। तो वारफेरिन एक ड्रग है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिथाइल डोपा। तो मिथाइल डोपा ड्रग जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज नेम टू ड्रग्स यूज टू ट्रीट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो किन्हीं भी दो ड्रग्स के नाम यहाँ पर लिखने जिन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज राइट अबाउट द रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिंस ऑन किडनी। तो प्रोस्टाग्लैंडिंस जो है उनका किडनी के ऊपर क्या रोल होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज नेम एनी टू थ्रोम्बोलाइटिक्स। तो किन्हीं भी दो थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग्स जो हैं उनका नाम हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनाबोलिक स्टीरॉइड्स। तो एनाबोलिक स्टीरॉइड्स के अंदर जो आते हैं उनके दो एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमें यहाँ पर लिखने, दो या चार जितने भी एग्जाम्पल्स हमें याद हो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज गिव द थेरापैटिक यूजेस ऑफ हिमैटिनिक्स। तो हिमैटिनिक्स जो इनके थेरापैटिक यूजेस क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट सेक्शन ए के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन बी के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई NSAIDs, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, साइड इफेक्ट्स एंड यूजेस ऑफ एस्पिरिन। तो सबसे पहले तो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर लिखना है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम अलग अलग क्लासेस एंड साथ ही साथ हर एक क्लास के अंदर कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग्स जो है वो भी लिख देंगे।
उसके बाद में एक ड्रग का नाम हमें दिया गया एस्पिरिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं, वो सब हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज एन्यूमरेट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते क्या, उनके बारे में जो है हमें यहाँ पर लिखना है। देन जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं इसकी फार्माकोलॉजी क्या होती है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म डायूरेटिक्स, क्लासीफाई दैम विद एग्जाम्पल, एन्यूमरेट एनी वन क्लास विद द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यूजेज एंड एडवर्स इफेक्ट। तो सबसे पहले तो डायूरेटिक्स का मतलब क्या होता है, इस टर्म की डेफिनेशन हमें यहाँ पर लिखनी है। देन उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन एंड साथ ही साथ एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी हमें यहाँ पर लिखने हैं। देन कोई भी एक क्लास जो हमें अच्छे से आती है उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो हमें बताना है, यूजेस क्या क्या होते हैं वो बताने हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं वो भी हमें यहाँ पर बताना है। तो ये थे कंप्लीट सेक्शन बी के क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन सी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए थे। सो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट द एक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स इन हाइपरटेंशन। तो एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो होते हैं इनका हाइपरटेंशन के अंदर क्या एक्शन होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज एज कार्डियो प्रोटेक्टिव। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज को कार्डियो प्रोटेक्टिव के रूप में किस तरीके से यूज़ करा जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिस्कस द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एंड यूजेस ऑफ न्यूअर H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। तो जो न्यू H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन किस तरीके से होता है, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब साइड इफेक्ट्स एंड क्लिनिकल यूजेस ऑफ बीटा मैथासोन। तो बीटा मैथासोन जो हमारे पास एक ड्रग है इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्लिनिकल यूजेस क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजी ऑफ हिपेरिन। तो हिपेरिन जो है इसकी कंप्लीट फार्माकोलॉजी, मतलब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है, यूजेस क्या क्या होते हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज क्लासीफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स, राइट द मैकेनिज्म ऑफ HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स। तो सबसे पहले तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स जो है उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में जो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज क्लासीफाई एंटी थायराइड ड्रग्स एंड ऐड अ नोट ऑन थायोयूरियास। तो सबसे पहले तो एंटी थायराइड ड्रग्स जो इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में एंटी थायराइड ड्रग्स के अंदर ये क्लास आएगी थायोयूरियास, इनके बारे में जो है डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड्स। तो डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड जो है इनका जो मोड ऑफ एक्शन या फिर ये कहें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमें यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करना है। लास्ट इज व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायो एसेज। तो बायो एसेज जो है इसके अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं तो वो हमें यहाँ पर अच्छे से डिटेल के अंदर जो है वो लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है सेप्टेम्बर 2021 का क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट होता है तो क्वेश्चन पेपर विथ सोल्यूशन जो है उसकी वीडियोज़ भी आपको जल्दी ही मिलेंगी, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।